गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की बैठक हुई संपन्न जखनिया। गाजीपुर समाजवादी पार्टी विधानसभा 373 जखनिया ब्लॉक के अंतर्गत हुई बैठक। बैठक में सभी प्रत्याशी रहे मौजूद, जिसमें सेक्टर प्रभारी गांव गांव जाकर नौजवान बुजुर्ग महिलाओं को संपर्क किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव भानु ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हर हाल में सपा की सरकार बनानी है। उन्होंने बताया कि इस सरकार में किसान, नौजवान, महिला, छात्र, सभी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सपा की सरकार बनाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष भानु, ओम प्रकाश यादव, मास्टर साहब मार्केंडे यादव, शिक्षक सभा अजय सिंह, प्रत्याशी विधानसभा 373 पूर्व विधायक विजय कुमार, डॉक्टर संजय कनौजिया, विधानसभा प्रत्याशी 373 विनीत कुमार, विधानसभा सुनील यादव, व्यापार सभा सचिव शादियाबाद, ब्लॉक अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सादा साहब यादव, रामकेश यादव, सेक्टर प्रभारी गुरमुखपुर शंभू, नेताओं, वरिष्ठ जिला पंचायत रामकिशन सोनकर, सादात पूर्व प्रमुख प्रत्याशी गरीब राम जखनिया, राम प्रवेश, ब्लॉक अध्यक्ष जखनिया बबलू चौहान, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शादियाबाद बजरंगी चौहान, प्रधान वरणपुर राम नगीना यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मनिहारी महाराज, योगेश जितेंद्र कुमार, श्रवण कुमार दूधनाथ यादव, सेक्टर प्रभारी जखनिया नगीना यादव, ब्लॉक मनिहारी इत्यादि लोग मौजूद रहे। आपका नाम सर? कमलेश यादव भानु, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जखनिया। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आप ये जखनिया में जो मीटिंग रखी गई है, ये जनता को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं 2022 में जो अखिलेश सरकार? देखिए, आज जनता भाजपा सरकार से हर तरह से त्रस्त है जी, और जनता अपना मूड बना चुकी जी कि भाजपा सरकार को हटाना है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। इसी के तहत हम लोग आज जखनिया विधानसभा में अपने सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेता, सेक्टर प्रभारी, विधायक, सभी साथियों की बैठक हुई, जिसमें हम लोग अधिक से अधिक हर बूथ पर वोट बढ़ाने के लिए वोट का फार्म वितरण किया गया और वोट बढ़ाने के लिए, वोट कटवाने के लिए, और शनिवार को जो हमारी सेक्टर की बैठक होनी है दूसरे शनिवार को, उसकी चर्चा की गई जी। और भाजपा सरकार आज किसान, नौजवान, सब लोग त्रस्त है जी, इसलिए आज जनता मन बना चुकी है कि भाजपा सरकार को हटाना है और जन जन में, गांव गांव में जाकर के हमारे कार्यकर्ता इस बात को बताने का काम कर रहे हैं। और जो भी हमारी उपलब्धियां हैं समाजवादी पार्टी की, चाहे कन्या विद्या धन हो, बेरोजगारी भत्ता है, पेंशन है, तमाम, चाहे 102, 108 तमाम योजनाएं हैं, लैपटॉप है, हर योजना पर भाजपा की सरकार के लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग मिलजुल कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और जो भी हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ लें। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपका नाम सर? मेरा नाम बबलू चौहान, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जी। तो आप जिला अध्यक्ष पिछला प्रकोष्ठ बने हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष जब बनाया, इसमें वर्तमान में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तन मन धन, वही जो पहले था मेरा, वही समाजवादी पार्टी ने जो हमको जिला अध्यक्ष बनाया, उसके लिए मैं तन मन और धन से और अपने जितने भी सहयोगी साथी चौहान समाज के जितने भी लोग थे और भी अदर के और अपने एससी क्लास के सभी साथियों को इस समाजवादी पार्टी के लिए अपने यथा सहयोग के साथ समाजवादी पार्टी के लिए और इस सरकार, इस समय जो चुनाव आने वाला विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए हमारे जिला के जितने भी साधु विधानसभाओं के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, उनका मैं स्वागत करते हुए अपने इस समाज के लोगों से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का एकदम पूर्ण संकल्प है और सातों विधानसभा जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए उनकी सरकार को बनाने का हमारा सर्वप्रथम प्रयास, जनता से प्रयास रहेगा। इन्हीं चंद बातों से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय महाराष्ट्र।